हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएस स्मार्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बढ़ती सुपरस्टार्स के बारे में, बालवीर की मेहर और बालवीर ईशान की खुशी के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। वो घर पे भी आता जाता है। How does it matter? You're divorced ना? दोस्तों, अगर रियल नेम्स की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि खुशी का रियल नेम भी रियल में खुशी है। और आप सबको पता होगा कि आप सबकी चहेती मेहर का नाम अनुष्का सेन है। दोस्तों, अगर इन दोनों एक्ट्रेस की एज की बात की जाए तो एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मेहर यानी कि अनुष्का सेन की एज की बात की जाए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2002, यानी कि इस 4 अगस्त 2020 को वो 18 साल की हो जाएंगी। और खुशी की डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2008, यानी कि वो इस 2020 के 2 फरवरी को 12 साल की हो गई। दोस्तों, अगर बात की जाए दोनों की बालवीर में एंट्री कितनी एज में हुई, तो जब मेहर बालवीर में आई थी तो उनकी एज सिर्फ 6 साल ही थी और खुशी की एज अभी 12 साल थी जब वो बालवीर में आई थी। दोस्तों, अगर इन दोनों एक्ट्रेस की बालवीर में रोल की बात की जाए तो इनको रोल बिल्कुल सेम दिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि बालवीर के सीजन 1 में मेहर को यानी कि अनुष्का सेन को एक बहन का रोल मिला था, जो कि मानव और मेहर ये बहुत ज़्यादा हिट भी हुए थे बालवीर में। और बालवीर रिटर्न्स में भी बिल्कुल वैसा हुआ कि विवान की बहन खुशी है और वैसे ही बिल्कुल स्कूल जाते हैं और मानव मेहर की तरह ही रहते हैं। दोस्तों, ये बात अलग है कि बाद में अनुष्का सेन को बाल सखी का भी रोल दिया गया था, जो कि बालवीर का सीजन 1 बहुत ज़्यादा आगे चलने के बाद दिया गया था। ये इधर भी हो सकता है बालवीर रिटर्न्स में कि बहुत ज़्यादा शो चलने के बाद खुशी को पता चल जाए कि मेरा भाई ही बालवीर है जिसके पास इतना ज़्यादा पावर्स हैं, और इसके चलते खुशी को भी इतना ज़्यादा पावर्स स्पेशल पावर्स देनी पड़े। तो दोस्तों, अभी जो अनुष्का सेन है वो अपने करियर की स्टार्टिंग बहुत पहले कर चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन जो खुशी है वो अपने करियर की स्टार्टिंग अभी 1-1.5 साल ही पहले की है, जिसकी वजह से खुशी को इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। हमें लगता है कि अनुष्का सेन की एज में जाके खुशी भी उतना पॉपुलर हो ही जाएंगी। तो फिर आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इन दोनों में से किस करेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।